आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मींस थर्मल कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स ऑफ मैटर्स। जो भी कोई भी चीज है जब तक किसी चीज के साथ इंटरलिंक नहीं करेगा तो वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। उसमें दो टेम्परेचर दो चीजें जो है वो मेन है, एक है टेम्परेचर दूसरा है हीट। मींस टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। मींस से कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इस डेफिनेशन को याद करने के लिए 3 से 4 लफ्ज पे फोकस करना चाहिए, एक टेम्परेचर, एक डिग्री, एक हॉटनेस, एक कोल्डनेस और उससे पहले एक बॉडी। यानी अगर आप इन शॉर्ट अगर आप 5 चीजों को याद कर लें कि आपके पास ये जो टेम्परेचर, बॉडी, डिग्री और हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, आप इस पे ये देखोगे कि क्या होगा आपका फायदा कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। यानी कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे या आप उसके साथ कोई गेज नहीं लगाएंगे तब तक वो आपको नहीं शो करेगी। जैसे कि आपको कोई भी इंसान कहता है मुझे जी बहुत बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, जब तक आप उसको थर्मामीटर से चेकआउट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो कितना उसके अंदर यानी उसको कितना जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। ये इसका जो है मेन पॉइंट मींस बल्ब है, ठीक है, इसके अंदर मर्करी फिल आउट है, ठीक है, और एक मेन स्केल है नीचे और एक ऊपर स्केल है। ये जो फारेनहाइट और केल्विन स्केल में आपको बताएगा कि आप बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर है या उस बंदे को कितना बुखार है। आपकी बुक पे राइट साइड पे ऐसा बच्चा बना, उसने ये माथे पे जो है वो थर्मामीटर लगाया हुआ है। ये बहुत ही पुराना स्टाइल का थर्मामीटर है, ये भी एक थर्मामीटर स्टिप होती थी पहले, आजकल नहीं यूज होती, ये भी जो है वो क्या टेम्परेचर बताती। दूसरी तरफ आ गई तो हमारे पास हीट। हीट क्या, हीट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दम। क्या होगा, हीट हीट तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक, जैसे कि इसको देखना होगा हीट एनर्जी, उसके बाद क्या होगा फ्रॉम वन बॉडी थर्मल कॉन्टेक्ट और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दम। मतलब 3-4 चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आपको इसकी भी डेफिनेशन याद हो जाएगी। यानी हीट एनर्जी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम वन बॉडी यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब तक उसके अंदर ये चीज जो है ये थर्मल कॉन्टेक्ट, ये आपका मेन फोकस है इस डेफिनेशन में। जब तक कोई चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ेगी नहीं, थर्मल कॉन्टेक्ट ये जो आपकी गर्म इस्त्री यूज होती है, इसके अंदर भी दो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, बायो स्ट्रिप्स कहते हैं इनको। चैप्टर नंबर 8 की लास्ट में करके आपका टॉपिक है, ठीक है, और ये इससे रेलेवेंट है। मतलब थर्मल कॉन्टेक्ट होता क्या है, बायो स्ट्रिप्स होती हैं, इस तरह की दो स्ट्रिप्स होंगी। अगर इस्त्री की मिसाल ली जाए तो एक स्ट्रिप ये इस तरह की, दूसरी जो है इसके ऊपर ऐसे करके सेम लाइक अ सीजर, ठीक है, यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट होंगी तो भी जाके वो एक दूसरे से हीट जो है वो ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या, विद ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दम। जब तक ये नहीं होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा ना तब तक वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब अगर आपका हाथ ठंडा है ना तो आप अपने हाथ के ऊपर बर्फ रख लेना तो आपको कोई कुछ भी इतनी ठंडा महसूस नहीं होगी। अगर आपका हाथ ठंडा है और आप किसी भी गर्म चीज को पकड़ लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका हाथ जलने के इम्कान ज्यादा होंगे बनिस्बत उस तरह कि आपका हाथ गर्म था और आपने कोई गर्म चीज पकड़ी। आई होप कि आपको समझ आए। अस्सलाम वालेकुम।